नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। उत्तराखंड में बीजेपी की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अब अवैध कारतूसों की तस्करी के मामले में बीजेपी विधायक का भाई धर चुका है। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल को उसके ड्राइवर के साथ एसएसबी ने बनबसा में गिरफ्तार किया, जिनसे 7.65 mm के अवैध 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। विधायक ने इससे उनके भाई की छोटी सी भूल बताया और इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा निशाना साधा है। अब सियासी संग्राम एक और नए मुद्दे पर छिड़ चुका है, लेकिन सवाल यह, क्या इससे बीजेपी की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। रानीखेत विधायक के भाई को एसएसपी ने धरा। महरा बोले, बीजेपी के पाप का घड़ा भरा। विधायक नैनवाल इसे बता रहे छोटी भूल, कहा सियासी कारणों से दिया जा रहा तू। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरी सरकार और बीजेपी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। अब रानीखेत से बीजेपी विधायक का भाई अवैध कारतूसों की तस्करी में पकड़ा गया है। रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई सतीश नैनवाल को उसके ड्राइवर के साथ भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने बनबसा में गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से अवैध सामान के साथ ही 7.65 mm के अवैध जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएसबी ने दोनों को बनबसा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में दोनों से पूछताछ कर रही है कि वो कारतूस को कहां से लाकर नेपाल में किसे सप्लाई देने जा रहे थे। वहीं इस मामले पर विधायक प्रमोद नैनवाल ने सफाई दी है। विधायक का कहना है कि उनका भाई उनसे अलग रहता है और उससे ये गलती हुई कि वो अपनी लाइसेंसी कॉटेज निकालना भूल गया, जिस पर एसएसबी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। विधायक का कहना है कि उनके भाई को छोटी सी भूल के लिए निशाना बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा हमला बोला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा है कि जिस तरह आपराधिक मामलों में एक के बाद एक बीजेपी नेता और उनसे जुड़े लोग फंस रहे हैं, उससे लगता है कि बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया है। महारा ने पुलिस पर विधायक के भाई को बचने का मौका देने का भी आरोप लगाया है। विधायक, तुम्हें जा रहा हूँ क्या? मेरा भाई, उसका परिवार अलग है, उसका घर अलग है, वो मेरे से अलग रहता है। क्योंकि उसको टारगेट इसलिए, इतनी छोटी सी गलती के लिए, गलती हुई है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलती हुई है उससे, छोटी सी गलती हुई है। क्योंकि रशीद जो जल्दीबाजी में निकाल देते थे कॉटेज घर निकाल देते, वो कानून तो कानून के हिसाब से उसे पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें जो विधि, मैं कह रहा हूँ भूल हो गई उससे, भूल से अपनी कॉटेज निकालना भूल गया, जो लाइसेंसी है। आज एक और घटना सामने आई है। रानीखेत के विधायक प्रमोद नैनवाल जी के छोटे भ्राता सतीश नैनवाल जी कल इंटरनेशनल बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के द्वारा पकड़े गए हैं। 57 बटालियन ने इनको पकड़ा है। ये कहा जा रहा है कि उनको समय दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये एक नजीर नहीं बन जाएगी कि आदमी गोलियां सप्लाई करेगा, अवैध सामान सप्लाई करेगा, पकड़े जाने पर वो कहेगा कि अब लाइसेंस में पुरानी जगह छोड़ के आओगे, मैं लाइसेंस दिखाता हूं। और क्या इंटरनेशनल ट्रीटी में ये भी तय है कि आप भारत के लाइसेंस को लेकर ये गोली बारूद लेके दूसरे देश में जा सकते हैं? क्या देश की सीमाएं भाग सकते हैं? विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल का पहले भी विवादों से नाता रहा है। अप्रैल 2024 में भतरौज खान में ग्राम प्रधान के साथ मारपीट का आरोप। बवाल के बाद पुलिस ने सतीश नैनवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अक्टूबर 2023 में उद्यान घोटाले में भी सतीश नैनवाल का नाम आया। वितरित किए गए 3,100 क्लोनल रूट स्टॉक में से 2,402 सतीश को दिए गए। उद्यान घोटाला और प्रधान मारपीट मामले में विधायक के भाई को लेकर खूब बवाल मचा था। इन मामलों में सत्ताधारी विधायक के भाई बच निकले, लेकिन अब की बार विधायक के मुताबिक अपनी ही छोटी सी गलती से एसएसबी के हाथों धरे गए, जिससे विधायक प्रमोद नैनवाल के साथ ही बीजेपी की भी खूब किरकिरी हो रही है। अब देखना होगा कि अवैध कारतूस मामले में विधायक के भाई पर कार्रवाई होती है या सत्ता के दबाव में इस मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर देवेंद्र
सीन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी पार्टी के। गरिमा दसौनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। पीसी थपलियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं। यूकेटी के रविंद्रनाथ कौशिक हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत गरिमा दसौनी जी मैं आपके साथ करूंगी, चूंकि ये कहा जा रहा है कि एक छोटी सी भूल हुई है और कहीं ना कहीं अब यहाँ पर उनके विधायक के भाई को फंसाने की कोशिश की जा रही है और उन्हें वक्त भी दिया गया है कि वो लाइसेंस दिखाए। क्या रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का? मुझसे सर पूछिए तो मुझे दया आ रही है उत्तराखंड भाजपा पर। काश उत्तराखंड भाजपा ने अंकिता भंडारी हमारी बेटी को न्याय दे दिया होता, पीआईसी को कर को छुपाया नहीं होता, बचाने के लिए इतनी कसरतें नहीं की होती। काश रेणु मिश्र जिसने बनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती तो आज भाजपा को ये सब नहीं देखना पड़ता जो देखना पड़ रहा है आज प्रदेश में। श्रुति जितने भी सॉरी चित्रा, आज प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं 90% अपराध चाहे वो किसी भी किस्म के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के हो, चाहे वो दुष्कर्म या बलात्कार के हो, चाहे वो अब ये देशद्रोह के मामले हो, हर तरह के हर वैरायटी के अपराधों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं की संलिप्तता ना मिले ऐसा हो ही नहीं रहा है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है चित्रा क्योंकि इसको खाद पानी सींचने का काम बड़े नेताओं ने किया। आप दिल्ली से लेकर यहाँ इस प्रदेश की कहानी देख लीजिए, यदि कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, राम रहीम और भूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाने की कोशिश ना होती, संरक्षण ना दिया गया होता तो फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक ये फीलिंग, ये भावना नहीं गई होती कि हम सत्तारूढ़ दल है, हम जो मर्जी वो करें। आज की तारीख में अगर बलात्कार और दुष्कर्म हो रहे हैं इस प्रदेश के अंदर तो मैं कहां से शुरू करूं और कहां खत्म करूं? साइंस का इनका मंडल अध्यक्ष 14 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करता है, दुग्ध संघ का इनका अध्यक्ष जो है 3 साल तक अपनी महिला कर्मी सहयोगी के साथ शारीरिक दुष्कर्म करता है, इनका जो भादराबाद हरिद्वार का ओबीसी का सदस्य है सैनी वो 13 वर्षीय बच्ची के संग गैंगरेप और हत्या करता है। भ्रष्टाचार का देखिए, ये तो हो गए दुष्कर्म के मामले और बहुत है, पूर्व संगठन मंत्री संजय कुमार बोलू, महेश नेगी द्वाराहाट का विधायक बोलू, ज्वालापुर का विधायक सुरेश राठौर बोलू, विनय गोयल जो कहता है महिलाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, अच्छे घर की महिलाएं नहीं आती राजनीति में, और आती है तो फिर उनको मेंटली प्रिपेयर होकर आना चाहिए कि उनके साथ ये सब होगा राजनीति में, अपना शारीरिक और मेंटली दोहन का सोच कर आना चाहिए। ये सारे लोग बच निकले, चंपावत का मंडल अभी बच निकला, और आप सोचिए एक सेकंड और रुकिए जल्दी से, कि भ्रष्टाचार ये तो हो गए दुष्कर्म के मामले, भर्ती घोटाले में कौन मुख्य आरोपी निकलते हैं जिन्होंने युवाओं के भविष्य को अंधकारमय किया? नितिन चौहान, संजय धारीवाल, हाकम सिंह, वो कौन थे? सारे भाजपा के नेता। भ्रष्टाचार में कौन निकल रहा है आरोपी? ठीक है, लेकिन बीजेपी इसको लेकर के कितनी तैयार है, इस पर मेरा सवाल डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी आपसे है सर। ठीक है, मैं लौट रही हूँ गरिमा जी आपके पास भी, लेकिन सर सवाल ये है कि प्रदेश में आखिरकार क्या चल रहा है? आप लोगों की जिम्मेदारी है कि प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया जाए, अपराध को कम किया जाए, लेकिन जब यहाँ पर विधायक के भाई ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है बीजेपी के सामने। सर क्या कहेंगे इस पर? चित्रा जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि कानून अपना काम कर रहा है और जो भी दोषी है उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई छूट की बात ही पैदा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हो, और चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या प्रदेश अध्यक्ष जी हो या मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता हो, हमारे लिए पहले देश प्रथम होता है। लेकिन क्या स्थिति है कांग्रेस की? हालत यह है कि जो आज हमको बड़ी बड़ी बातें कह रही है गरिमा जी, पहले ये बताएं कि जब पाकिस्तान के पास जाके कौन कहको मदद कीजिए, चीन के लोगों से चंदा कौन खाता है? कांग्रेस खाती है किसी प्रकार से? एक मेरी बात सुन लीजिए, रुकिएगा गरिमा जी उनकी बात हो जाए, मेरी बात सुनिए। पहली बात मैं कहना चाहूंगा, और कांग्रेस के समय में जी के पैर में महिला गिरी हुई थी, हरीश राव जी के पैर में महिला गिरी हुई थी गरिमा जी, और हरीश राव जी हंस रहे थे,
आपके लोगों ने बलात्कार किए, कितना आप लोगों ने सजा दी, हमारी पार्टी ने हर एक व्यक्ति जो भी था एक्शन लिया, जो अंकिता हत्या कांड में दोनों अपराधी जेल में, इनको चित्र भी शांत करिए, इनको गरिमा जी को शांत कराइए, मैं हर बात का उत्तर दूंगा। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मामला नैनवाल जी का आया है, नैनवाल जी के मामले में अगर हमारी पार्टी बचाने वाली स्थिति में होती तो हम ये केस होने ना देते। अच्छा, ये सच है कि नहीं सर, एक मिनट सुनिएगा, ये सच है कि नहीं कि उनको लाइसेंस दिखाने के लिए वक्त दिया गया, ये सच है कि ये हर व्यक्ति को, सुनिए चित्रा जी, किसी भी अपराधी को अगर अपराधी है अपने बचाव का मौका मिलता है, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर हम उसके साथ खड़े होते गिरफ्तारी ना होती, ना किसी प्रकार से कोई पुलिस का केस बनता, हमने बिल्कुल कोई रियायत नहीं बरती है। और जो अंकिता हत्याकांड की बात की है तो दोनों के दोनों हत्यारे जेल में पड़े हैं, उनके लोगों हमने निकाल दिया, और कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, लेकिन इसकी इजाजत इस काम की, अवैध काम की इजाजत ना तो बीजेपी के किसी विधायक को है, ना तो बीजेपी विधायक के किसी भी रिश्तेदार को है, उनके चचा को है, और ना ही उनके भाई को है। पीसी थपलियाल जी, ठीक है सर, मैं लौट आपके पास भी, लेकिन एक रिएक्शन पीसी थपलियाल जी आपसे भी, इसकी इजाजत मुझे लगता है किसी को भी नहीं है, फिर वो चाहे बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, फिर वो चाहे आम व्यक्ति क्यों ना हो, गलत किया तो तुरंत गिरफ्तार करो, जेल में डालो, कार्रवाई हो रही है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है, और कांग्रेस ही होता तो बचा। ठीक है भसीन जी, आ रही हूँ मैं, रुकेगा थपलियाल जी, बोलिए। भसीन साहब ने बहुत सीनियर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन जिस तरह से वे यहाँ पे बोल रहे हैं हमें दुख हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पे इस राज्य के लोगों ने आंख मीच कर विश्वास किया, और इन लोगों ने हमारी पीठ पर हमेशा छुर्रा फूंका है, आज भी का दोहरा चरित्र देखते हैं, एक हाथ से ही हम पे थप्पड़ मारते हैं और दूसरे हाथ से ये हमारे आंसू पोंछते हैं। इनका जो मुफट्ठा बना हुआ है, आप ये देखिए कि चमोली गढ़वाल में एक दूसरे धर्म के व्यक्ति को इन्होंने सलाखों के अंदर डाल दिया केवल एक जेस्टर के लिए, कितना बड़ा तमाशा किया चमोली में। दूसरी ओर आप वहां देखिए उधम सिंह नगर में, वहां कुछ नहीं, वो लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है उसको प्रोटेक्शन के लिए ये लोग जा रहे हैं। इनका दोहरा चरित्र है कि आज जो उत्तराखंड का क्रिमिनल, उसको ये महंत, अब हमको पूजा करनी पड़ेगी, वो महंत बन गया और उस महंत को पूजना पड़ेगा इस आगे उत्तराखंड को, ये लोगों के छोटे मुखट्टे के कारण ये लोग, ये एक तरफ इनका प्रधानमंत्री वहां जाकर पाकिस्तान में बहुत छूटा है शरीफ की माँ के, दूसरी तरफ ये हमें पूछते हैं अगर हम जरा भी कुछ कर दें। लेकिन ये जो बातें हैं, आज हमें जो चीजें अपराधीकरण जो राजनीति का भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है, इनके कारण जनता बहुत दुखी है कि 42 खातों से मिला हुआ राज्य आज इन लोगों ने अपराधियों का केंद्र बना दिया है। थैंक गॉड कि 6 कांग्रेसी इनके मंत्रिमंडल में सरकार चलाने को इनको मिल गए, नहीं तो ये तो खाली खोखे हैं जो बम 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 बोल के कांग्रेस ने ऐसा किया। अब वही तुम करोगे जो कांग्रेस ने किया, बड़ा दुख होता है ये कह के कि कांग्रेस ने ये किया वो किया। अपना देखिए आप, तुम्हारा मंत्री फंसा हुआ है सैन्य धाम जिसको प्रधानमंत्री ने 5वां धाम कहा था, उस सैन्य धाम का अपराधी और आज बचने की कोशिश कर रहा है कि मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है। कांग्रेस बेहतर काम करती है पीसी थपलियाल जी, कांग्रेस के कार्यकाल को अगर हम कंपेयर करें बीजेपी के कार्यकाल से, तो कांग्रेस का कार्यकाल बेहतर रहा उत्तराखंड के लिए? देखिए, कांग्रेस का जो अपराधीकरण था, इतनी जनता आतुर व्याकुल हो चुकी है जनता इनके राज के कारण। हम खुला आंखों से, मैं आरएसएस के लोगों को बोलता हूँ कि यार तुम्हारे अंदर कुछ देशभक्ति बची हुई है, देशभक्ति का नारा देने वालों, तुम खुली आंखों से देख रहे हो किस तरह से तुम्हारा यहाँ पे वो जो मेयर था, किस तरह से उसने नगर निगम में खुला खेल खेला था 85 करोड़। लेकिन ठीक है रविंद्रनाथ जी, ये बीजेपी विधायक के जो भाई हैं, अब ये कह दिया जाता है कि भाई देखिए माफिया हैं, अपराधी हैं, तो वो अपराध करने से नहीं चूकेंगे, लेकिन ऐसा है क्या?
हालांकि ये इस बात में बिल्कुल सच्चाई भी होगी कि अगर किसी का भी रिश्तेदार या किसी विधायक के चचा जो ये सोच लें कि भाई हमारे रिश्तेदार तो विधायक है तो हम तो कुछ भी कर लें, हमें तो बचा लिया जाएगा, ऐसी स्थिति होती है। अगर ऐसी ही इसी तरीके से अपराध होता रहेगा तो हमें लगता है कि हम कुछ निष्पक्ष जांच नहीं देख पाएंगे और हम ऐसे मामले तो हम लगातार देखेंगे कि फलाने के विधायक है, रिश्तेदार विधायक है, फलाने के चचा विधायक है, फलाने के भाई विधायक है, तो कुछ भी कर लो, बचना तो है ही, बच तो जाएंगे। देखिए अभी गरिमा जी और मैं जो है दूसरे चैनल पे थे तो वहाँ भाजपा के वो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। उन्होंने ये बताया कि भाई प्रमोद जी के मुताबिक जो है उनके भाई का सारा तामझाम अलग है, उनका परिवार भी अलग है, उनका व्यवसाय भी अलग है और उनका कुछ लेना देना है नहीं उस बात से। जहाँ तक ये बात है कि साहब पॉलिटिकल एफिलिएशन है तो बचा लिया जाएगा, तो इस केस में कहीं ये बात दिखा दे नहीं रही है कि कोई किसी को बचा रहा है। भाई एसएसबी ने पकड़ा, पुलिस ने आपके जो है उसकी आपकी रिपोर्ट करा दी है और ये तो आपकी जो है कोई भी होगा भाई, अगर किसी का जो है वाहन पकड़ा जाए तो उसको जो है उसके कागज लोग मांगते हैं और कागज जो है पेपर निकल समय मिलता है, तो उन्हें जो है अगर ये कागज दिखाने के लिए समय मिला है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात हम देखें पर्दे के पीछे इसमें कुछ दुख बैठता नहीं। ठीक है, और बाकी इतना है कि भाई भले ही संबंध होना हो, उम्मीद तो रहती है आदमी को भाई मेरा भाई विधायक है तो मुझे बचाया जाएगा, लेकिन उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, ऐसी ये नहीं कहा जाता कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। लेकिन भसीन जी सवाल ये भी उठ रहा है कि भले चलिए ठीक है, ये अच्छी बात है कि उनकी गिरफ्तारी देखिए हो गई और उसके बाद अब जांच भी आगे बढ़ाई जाएगी, कार्रवाई की जाएगी कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन ये जो विधायक साहब ये इनको ये कहने का मतलब क्या था कि भाई छोटी सी भूल हो गई है। भाई बीजेपी के जब विधायक ही ऐसा बयान देंगे तो मुझे लगता है बैठे बिठाए मुद्दा तो आप लोग खुद बनवा लेते हैं अपने आप, और जब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी जब ये आरोप लगाती है कि भाई देखिए बीजेपी के विधायक के भाई ने ऐसा ऐसा काम कर दिया तो आप लोग कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। ये बयान आपको ठीक लगा जो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी भूल हो गई है, ये छोटी सी भूल है? देखिए पहली बात तो मैंने शुरू में कहा कानून अपना काम कर रहा है, अगर बचाने की बात होती तो ना गिरफ्तारी होती और मामला भी सामने ना आने दिया जाता, लेकिन हमने किसी प्रकार से कोई भी जो है उनको राहत नहीं दी, जो काम है कानून का वो करेगा और किसी भी भाजपा के नेता ने किसी शासन के व्यक्ति ने उनके पक्ष में कोई बयान नहीं दिया। एक भाई के नाते उन्होंने कुछ बोला है कि उनका वेक्टर मस्ता है, उसे पार्टी का सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इस पर मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी बहन गरिमा जी ने कई किस्से सुनाए तो मैं उनसे बताना चाहूंगा कि भाई हमने तो सबको जेल में डाल दिया, हमने जो लोग कर दिया आपने क्या किया, अपने यहाँ आपने कुछ नहीं किया, मैं गिनवाना शुरू करूंगा फिर वो हमारी बहन जो है वो नाराज हो जाएंगे। इसी बात में ये कहना चाहता हूँ कि हम देश के लिए कोई भी अगर काम गलत करेगा उसके साथ हमारी कोई हमदर्दी नहीं है, हम मान लिए राष्ट्र पहले है लेकिन कांग्रेस के लिए क्या है, कांग्रेस के पहले नेहरू खानदान है और अपने स्वार्थ है और हमारे सामने सब बातें हैं, तीन से हमारी लड़ाई होती है, तीन का चंदा खाती है कांग्रेस, ये सामने है। पाकिस्तान जाकर के इनके मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि हटाने के लिए हमारी मदद करिए और इंग्लैंड में जाकर के देश के खिलाफ बोलते हैं, कौन राहुल जी बोलते हैं, ये कांग्रेस का चरित्र है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गलत है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे मुद्दे हैं सर देने वाली नहीं है, कांग्रेस अपने पहले गिरिबान में जाके और चरित्र की जो बात कर रहे हैं मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता जो एक बहुत बड़े वकील है उनका मस्ता ठीक है, आपने ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं सर, आप कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका जवाब गरिमा जी से ले लूंगी, लेकिन एक सवाल ये है कि देखिए कभी कभी एक मुद्दा आ जाता है महिला की सुरक्षा का, कभी एक मुद्दा आ जाता है अपराधियों को संरक्षण देने का, कभी एक मुद्दा आ जाता है कि भाई प्रशासन के जो लोग हैं अधिकारी हैं वो जनता की बात नहीं सुनते, कभी मुद्दा आ जाता है पलायन का, कभी आ जाता है आपदा में किस तरीके से आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि इन तमाम मुद्दों के बीच में एक सरकार बैठी हुई है, पार्टी बैठी हुई है, एक मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने है, तो कैसे निपटा जाएगा इससे? देखिए पहली बात तो ये है कि चाहे कोई मुद्दे आप कह रहे हो, चाहे मामला पलायन का, तो जो हमने काम किया है कांग्रेस ने कुछ करके नहीं दिया, हमारे समय में पलायन पर नियंत्रण हो रहा है, जो रोजगार हम ही सरकार प्रदान कर रही है उसका एक चौथाई भी कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं दिया। इसी प्रकार से भाजपा के जो लोग हैं उनके उन्होंने जो काम गलत किए हमने कार्रवाई करी,
कांग्रेस उनको बचाया, यहाँ तक इनके मुख्यमंत्री पैरों में पड़ी हुई थी महिला हरीश रावत जी का। जवाब दीजिएगा गरिमा जी, तो उनसे हंस रहे थे। एक सवाल मेरा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें गरिमा जी, एक सवाल मेरा ये है कि आप देखिए सब लोग इस पर निशाना साध रहे हैं कि भाई बीजेपी विधायक के भाई ने ऐसा ऐसा काम कर दिया, कारतूस पकड़े गए इंटरनेशनल बॉर्डर पर, वो उनको पकड़ा गया है। सवाल ये है कि अगर बीजेपी विधायक का कोई भी रिश्तेदार कोई गलत काम करता है तो उसमें विधायक की गलती कैसे है, चूंकि वो ये चीज कह चुके हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर कुछ उन्होंने किया है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई वो जिन्हें पकड़ा गया वो विधायक तो है नहीं, ना उनका बीजेपी से कोई लेना देना है। देखिए चित्रा, इस तरह की बातें तो कई कही जा सकती हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि कई बार नेता का भाई पकड़ा जा रहा है, कई बार नेता खुद पकड़े जा रहे हैं। सल्ट के इनके मंडल अध्यक्ष पे इनके पास क्या है कहने को, इनके पास दुग्ध संघ के अध्यक्ष पे क्या है कहने को। अभी रविंद्र कौशिक जी ने यहाँ पर एक बात कही कि ध्रुव रौतेला दूसरी डिबेट में ये कह रहे थे कि भाई का कारोबार अलग है मेरा अलग है, मेरा कोई लेना देना नहीं। ध्रुव रौतेला ने कहा और आपने मान लिया कौशिक जी, मैं आपको प्रूफ करूं कि दोनों एक ही है, दोनों शक्तिमान ही गंगाधर है। ये बताऊं आपको, उद्यान घोटाले में प्रमोद नैनवाल ने जो पौध किसानों को दी जानी थी वो सतीश नैनवाल को दी, और सीबीआई जांच में ये खुलासा हुआ है कि किसानों के हिस्से का हक मारकर भाजपा के रानीखेत विधायक ने सतीश नैनवाल को महंगे पौधे दे दिए जो किसानों के बनते थे। तो अगर भाई एक एक ना होते, आपस में उनका प्रेम ना होता, तो फिर ऐसे लाभान्वित करते वो। तो भाई एक हो ना हो, और ये यहाँ पर देवेंद्र भसीन जी कह रहे हैं कि मुकदमा भी हो गया अरेस्टिंग भी हो गई। दरअसल क्या है ना चित्रा, के नाम के आगे बाप का नाम लिखा होता है, तो बाप का नाम नहीं होता, यदि भाई का नाम होता उसके आधार कार्ड में या उसके दस्तावेजों में तो शायद उसकी गिरफ्तारी और ये मुकदमा आपको देखने को नहीं मिलता। एसएसबी के कमांडेंट को तुरंत पता चल जाता ये विधायक का भाई है। वो तो बेचारे सतीश नैनवाल के पिता का नाम लिखा हुआ था, उसको पता ही नहीं चला कि ये। अच्छा, लेकिन ऐसा लगता है ना, मैंने ऐसा भी देखा, ये तो कहने वाली बात है कि कहते हैं ना कि जब आप गलत कर रहे हैं और कहीं पर जा रहे हैं तो पहले से ही फोन आ जाता है कि भाई संभाल लीजिएगा, अधिकारियों के पास तमाम लोगों के पास फोन पहले ही चले जाते हैं कि फलाने फलाने आ रहे हैं, संभाल लीजिएगा। अगर ऐसा होता तो क्या ये काम ना किया जाता? नहीं, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो चाहे फौज हो, वो राजनीतिक नहीं, लोगों की नहीं सुनते, वो सीधे सेंटर के अंडर आते हैं, और सेंटर के नेता अगर चाहते हैं कि उनको कठपुतली की तरह घुमा लेंगे अपने उंगलियों के इशारे पर, नहीं घुमा पाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये आंतरिक का मामला है, सिर्फ उत्तराखंड का नहीं पूरे देश का मामला है। इसमें तो इनकी केंद्रीय नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। ये धामी वामी तो छोड़िए, ये तो छोटे छोटे नेता हैं इस मामले के लिए। हमारी यहाँ देश है तो वो प्रदेश के मुख्यमंत्री सीधे सीधे देशद्रोह हो रहा है। पीसी थपलियाल जी, कहा जा रहा है कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक अब बचाने की कोशिश है, सच में बिल्कुल बचाने की कोशिश है। जी विधायक खुद बोल रहा है छोटी सी गलती, छोटी सी गलती बोलने की बजाय में वो उसका लाइसेंस दिखा देता कि 7.62 mm का ये लाइसेंस है, ये अथॉरिटी है इसको इतने बार उसको बाहर ले जाने की, वो तो कहीं दिखाएंगे नहीं। ये ऐसा फर्क किया, ठीक बोला दसोनी मैडम ने कि ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के चंगुल में फंसा ये मुश्किल से बचेगा, नहीं तो इस सरकार का तो चरित्र देखिए। भाकम सिंह को जेल में डाला, पीछे के दरवाजे से बाहर कर दिया। ये लोग किस तरह से बलंतरा में वो उसको पुलकित आर्य को तो अंदर किया हुआ है, लेकिन बाप चारों तरफ घूम रहा है खुला। हम मांग रहे हैं कि भैया सीबीआई इंक्वायरी करा दो वहां की, ना वो बंगाल की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, बंगाल की सीबीआई इंक्वायरी से इनका दोहरा चरित्र इतना जल रहा होगा हमारा दिल इनके व्यवहार से। ये क्या लोग हैं, ये हमारे राज्य के कम हितैषी नहीं है। अरे दीमक की तरह की बातें कर रहे हैं मंत्री, अभी तो केवल गणेश जोशी पर लगा है आय से अधिक का मामला, अभी देखना एक एक करके सारे मंत्री नपेंगे इनके। आय से बहुत बड़ी समस्या हो गई है ये राज्य पूरी की तौर से, श्राप लगेगा। ठीक है, एक तरफ तो रविंद्रनाथ जी, ठीक है रविंद्रनाथ जी, सवाल मेरा आपसे सर, एक तरफ तो देखिए विपक्ष जो है वो नैरेटिव सेट करेगा, चुनावों में भी हम देखते हैं ना कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। दूसरा तो बैठे बिठाए बीजेपी विधायक के भाई लोग देखिए खुद मुद्दा दे रहे हैं ऐसे काम करके। अब ऐसा नहीं लगता कि आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए वो तमाम ऐसी मुश्किलें ही अपने आप आती जा रही हैं, जिसके बाद उन्हें जनता को और बाकी लोगों को जवाब देना होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। अगर हो रहा है तो इसके पीछे बीजेपी का हाथ नहीं, और जनता का मूड ना बदले सीधे तौर पर।
देखिए जी, अगर नैरेटिव ये बनाने की कांग्रेस बनाने की सोचती है तो उसे बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसी संदर्भ में हरीश रावत जी का मैं एक वो वीडियो देख रहा था, कह रहे हैं कि साहब वो भाजपा शासन में वो मांस का निर्यात 3 गुना हो गया। अगर इस तरह की जो है मतलब ना समझी वाली बातें करेंगे तो भाजपा वालों को फायदा है भाई। अगर जो है आप कम से कम जो आप बयान दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। मतलब कांग्रेस के तो सबसे उत्तराखंड में वरिष्ठ नेता है, अगर वो ऐसी ऊंच जरूर बातें करेंगे कि साहब इनको जो है वो मजार मजार आपका सूझने लगता है और गोमांस आपका निर्यात 3 गुना हो गया है, अगर इस तरह की गाय बहे की बहकी बहकी बातें करेंगे तो करेंगे। मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के भाई के हाथ में कारतूस, और रविंद्रनाथ कौशिक को इसको भी नहीं चूकना है कांग्रेस को और हरीश रावत को पोसने से। कुछ तो शर्म करिए, एक वरिष्ठ पत्रकार की हैसियत से मुद्दा क्या है? ठीक है, रुक जाइए गरिमा जी, आप अपना सवाल करिए, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सम्मान के साथ सवाल करिए। ठीक है रविंद्रनाथ जी, रविंद्र कौशिक जी वो साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है कि टॉपिक यहाँ देशद्रोह का हो रहा है, यहाँ अवैध आश्रय और कारतूस की बात हो रही है। ठीक है, बीजेपी विधायक के भाई को पकड़ा गया चूंकि वो कई कारतूसों के साथ वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर थे। अब इसके बाद बीजेपी पर भी तमाम सवाल जो है वो यूकेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो उठा रही है, लेकिन सवाल ये है कि इसके बाद गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन क्या वाकई में सख्त कार्रवाई की जाएगी उन सभी लोगों पर, और दूसरा कि यहाँ पर बीजेपी को कितनी ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ सकती है इस मुद्दे के बाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।